बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात बड़ी खुश असलूबी से अंजाम दे रहे होंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं पीपीएससी बायोलॉजी की सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की हुई है, और आज का हमारा जो चैप्टर है वो है किंगडम प्रोटिस्टा। उससे रिलेटेड जो है तमाम एमसीक्यूज़ जो हैं वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो मुख्तलिफ एग्जाम में रिपीट हुई हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। द प्रोटिस्टान जीनोम है, जो प्रोटिस्टान जीनोम होता है उसमें क्या फीचर्स हैं, क्या क्वालिटीज हैं? फ्री न्यूक्लाई एसिड एग्रीगेट है, जो बिल्कुल रॉन्ग इसका आंसर है। जीन कंटेनिंग न्यूक्लियो प्रोटीन, दैट्स नॉट गुड। न्यूक्लियो प्रोटीन इन डायरेक्ट कंटेक्ट, सो दिस इज नॉट रिलेटिव टू प्रोटिस्टान जीनोम। ऑप्शन बी के ऊपर गौर करें तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियो प्रोटीन दैट एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म। ये प्रोटिस्टान जीनोम जो होता है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं जो कि एम्बेडेड होते हैं साइटोप्लाज्म में। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? बीटा। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हम देखते हैं कौन सी है हमारे पास। द प्रोटिस्टा दैट रिप्रोड्यूस बोथ बाय बाइनरी फिशन एंड कंजुगेशन, वो प्रोटिस्ट जो रिप्रोड्यूस कर सके दोनों बाइनरी फिशन के जरिए भी और कंजुगेशन के जरिए भी, तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको पैरामीशियम कहेंगे। वो प्रोटिस्टा जो रिप्रोड्यूस कर सके दोनों तरीकों से, बाइनरी फिशन के जरिए भी और कंजुगेशन के जरिए भी, हम उसको पैरामीशियम कहेंगे। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ए फ्यू प्रोटिस्टा दैट पजेस स्ट्रक्चर्स टू रेगुलेट देयर वाटर कंटेंट दे आर। अब कुछ ऐसे प्रोटिस्ट होते हैं जिनमें अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं वाटर कंटेंट को, और उनको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें, प्रोटिस्टा इंक्लूड, प्रोटिस्टा के अंदर आप प्रोटोजोआ भी शामिल होते हैं, अल्जी भी शामिल होती है और फंजाई भी शामिल होते हैं। जो प्रोटिस्टा होते हैं हमारे पास इनमें प्रोटोजोआ भी शामिल होते हैं, अल्जी का पोर्शन वो भी शामिल होता है और इसके साथ साथ फंजाई जो है वो भी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें, माइक्रो न्यूक्लियस एंड मैक्रो न्यूक्लियस आर द करेक्टरिस्टिक फीचर। अब ये जो माइक्रो न्यूक्लियस और मैक्रो न्यूक्लियस होते हैं ये किसके जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, वर्टिसिला एंड पैरामीशियम। अब जो माइक्रो न्यूक्लियस और मैक्रो न्यूक्लियस हैं ये करेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं वर्टिसिला और पैरामीशियम। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सच दैट फिट टूगेदर। अब इसमें क्राइजोफाइट्स हैं, ये राइट आंसर है। सेल वॉल जो होती है फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स बनाती है जिसके अंदर ग्रुप ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जैसा कि फिट टूगेदर, तो हम उनको क्राइजोफाइट्स कहते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें, होर्लिंग विप्स दैट नेम सो बिकॉज, उसको नेम क्यों दिया गया ना, होर्लिंग विप्स जो है उनका ऐसा नेम क्यों दिया है? उनको मोड ऑफ उसकी मूवमेंट जो है उसको जैसे इनको नेम दिया गया है, होर्लिंग विप्स को उसकी मोड ऑफ मूवमेंट की वजह से जो है ये नेम दिया, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, रेड टाइड जो है इस काज, अब रेड टाइड जो होती है ये नॉक्टी ल्यूका के जरिए भी हो सकती हैं, सेराटियम के जरिए भी हो सकती हैं और गोनियोलिक्स के जरिए भी हो सकते हैं। तो इसमें ऑल ऑफ अबव चार जो सारे आंसर हैं ये करेक्ट हैं, रेड टाइड इज कॉज्ड बाय ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें, इन डायनोफिलाजिलेट्स द फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे अगर आपके पास डायनोफिलाजिलेट्स के बारे में कोई एमसीक्यूज है तो ये डायटम्स होती हैं। डायनोफिलाजिलेट्स जो है हमारे पास डायटम्स जो हैं ये डायनोफिलाजिलेट्स में आते हैं। तो इस अगर इसके साथ साथ जो है इस एमसीक्यूज के ऊपर अगर हम गौर करें तो रिजर्व फूड मटेरियल अभी इनमें डायटम्स में डायनोफिलाजिलेट्स होते हैं, इनमें रिजर्व फूड मटेरियल कौन सी होती है? स्टार्च होती है। रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो डायनोफिलाजिलेट्स के अंदर स्टार्च। ऑप्शन बी इसका करेक्ट, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोटोजोअन दैट इंक्लूड इन द किंगडम प्रोटिस्टा रिजेंबल एनिमल बिकॉज, अब वो एनिमल से क्यों रिजेंबल करते हैं ना, द रिजेंबल्स एनिमल बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ। स्टेटमेंट पे गौर करें, प्रोटोजोआन इंक्लूड इन किंगडम प्रोटिस्टा द रिजेंबल एनिमल बिकॉज द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल और क्लोरोफिल जो है ये एनिमल सेल्स के अंदर नहीं होती। इन तमाम चीजों की वजह से जो प्रोटिस्टान होते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर वो एनिमल से रिजेंबल करते हैं। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हमने वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया जो मुख्तलिफ एग्जाम्स के अंदर जो है मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज जो कि किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक और चैप्टर जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, तो होपफुली आपको इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। सो इसलिए अपने होस्ट शाहिद चौधरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगेबान।